अरे यार जल्दी से कमांडो सेंड करो वरना साला तुम्हारी सारी की सारी पेमेंट काट दूंगा। और यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है इस टनल में, लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। टेंशन मत लो, जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे कद्दू निकलेंगे, वो माइकल ने SPG, निंजा, RSBPG, मॉन्स्टर, NSG और पता नहीं कितने लोग बुलवाए हमें मारने के लिए। कुछ करो एगल, कुछ करो। टेंशन मत लो, वो ग्लास स्पेशल मेटल से बना है जो कि नहीं टूटने वाला उस माइकल से। हम जल्दी यहाँ से टनल खोद के निकलने वाले हैं। सो जल्दी से टनल खोदना स्टार्ट करो एगल, इतनी गंदी स्मेल में तो मैं मर जाऊंगा। और खाने को भी कुछ नहीं बचा है, पूरे चीपा के पॉकेट सुबह गायब हो गए, पता नहीं किसने खा लिए। अरे मैंने नहीं खाए, मैं तो डायट पे हूं। माइकल मेरे दोस्त, अब बहुत हुआ उस एगल के बच्चे का। मैं आ रहा हूँ लॉस सांटोस में अपनी SP की सिकर भी लेता। डरना मत माइकल, मैं आ रहा हूँ जल्द से जल्द, वेट करना। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो यार गाइस, आप लोग ने पिछला एपिसोड देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि यार लास्ट एपिसोड में ना क्या हुआ था। तो चलो यार लास्ट एपिसोड में चलते हैं। सो गाइस आपको पता है भाई लास्ट एपिसोड में ना गाइस क्या हुआ था। भाई लास्ट एपिसोड में हमने एक न्यू गैंग बेस खरीदा गोल्ड के बदले में, मतलब एक छोटा सा गाइस एक एरिया है हमने वो परचेज कर लिया हमारी न्यू गैंग के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो एक गैंग थी ना उसका लीडर मर चुका है। तो फिर गाइस उसके ऑफिशियल लीडर हम बन चुके हैं। और गाइस फिर हमें ना एक अननोन नंबर से कॉल आता है, वो कहता है कि यार यहाँ पे ना कुछ अजीब अजीब तुम्हारे लोग मरे पड़े हैं। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड देखता हूँ कि यार वहाँ पर ना भाई फेक डग्गर बॉस की एक लाश पड़ी होती है, क्योंकि अपने को ना रियल डग्गन बॉस ने अपने को एक बॉडी दी थी, मतलब प्लास्टिक सर्जरी वाली अपने को बचाने के लिए, बट वो ना मर चुका है गाइस, क्योंकि ना वो एगल के बंदों ने उसे पकड़ लिया था आपको पता है। फिर मैं वहाँ पे वैसे जाता हूँ ना भाई साहब, वहाँ पर होता है ट्रैप, मतलब फंसा देते हैं भाई, चारों ओर से ना भाई फायरिंग शुरू हो जाती है, रोबोट आर्मी आती है एगल की एंड वगैरह वगैरह, भाई खतरनाक वाली फाइट होती है गाइस, क्या ही बोलूँ। फिर गाइस हम लोग को ना भाई एगल का छोटा भाई दिखता है, फिर भाई मैं उसका चेस करता हूँ इतना चेस करता हूँ ना, बट वो इतनी भारी ड्राइविंग करता है। फिर बाद में कुछ उसके चेले भाई पंटर लोग आ जाते हैं बीच में एंड मुझे ना भाई फंसा देते हैं, फिर हम लोग उसको चेस नहीं कर पाते हैं। फिर गाइस हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं हैकर गर्ल के पास, और जिस नंबर से या मुझे मैसेज आया था ना तो उस मैसेज का हमने लोकेशन ट्रैप कर दिया। और फिर हम लोग वो लोकेशन पर जाते हैं, हमें पता चलता है कि वो लोकेशन ना गोल्ड माइन की होती है, मतलब जहाँ पे हम सबसे पहले ट्रैप हुए थे ना, जिस पे हमने कब्जा क्लियर कर लिया था, बट बाद में हमारा वहाँ पे कब्जा हट गया था क्योंकि हम वहाँ पे ट्रैप हो चुके थे। फिर भाई वहाँ पर हम लोग अटैक वगैरह करते हैं भाई साहब, उस बंदे ने ना वो पूरी गोल्ड माइन को ना भाई इतना अपग्रेड कर दिया था, पता नहीं गाइस क्या क्या बोर्ड लगा दिए इतने बड़े बड़े। फिर हमें वहाँ पे मिलता है गाइस, क्या मिलता है भाई, एक मतलब आपको पता है एंट्रेंस होती है ना गोल्ड माइन में जाने की, एक टनल होती है भाई, उस बंदे ने पता नहीं कौन सा एक मेटल बनाया ग्लास का भाई, वो टूटता ही नहीं, मतलब इतना हम लोग उसको फायर कर रहे थे भाई वो टूट ही नहीं रहा था, पता नहीं गाइस क्या सीन था भाई, किस चीज़ का मेटल बना है। तो आज हम लोग देखने वाले वो मेटल को कैसे तोड़े, तो चलो यार फटाफट से ना चलते, अब देखते आगे क्या होने वाला। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये जो दिख रहे हैं ना भाई ये एगल, और ये बंदा देखो मेरे को कैसे चिढ़ा रहा है भाई, ये पता नहीं कौन आ गया, एक नया लंगूर दिख रहा है भाई, क्या ही कपड़े पहना है इसने भाई, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, पहले ये 3-4 नमूने थे, अब ये पता नहीं ये कहाँ से एक नमूना आ गया। और ये देखो भाई क्या हरकतें कर रहा है, अभी इसको हरकतें मैं दिखा भी नहीं सकता यार। ठीक है तो यार आप लोग ने बहुत सारे बंदों ने मैंने आपसे पूछा था सोल्यूशन बताओ,
भाई इस ग्लास को कैसे तोड़े यार। भाई किसी ने जवाब ही नहीं दिया, मतलब भाई गजब बेइज्जती करवा दी यार बक्सर। भाई किसी ने बोला ही नहीं कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए। किसी ने बोला है भाई स्टिकी बम से तोड़ो। भाई मैंने स्टिकी बम भी लगवाया था बट वो नहीं टूटा। भाई मैंने आरपीजी चलाया नहीं टूटा। और कोई लोग बोल रहे थे भाई वॉल ब्रेक करो, तो भाई वो मेरे को सही लगा। भाई वॉल ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए बड़ा वाला गैस, कोई जेसीबी वगैरह कुछ चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। ये देखो साला अभी भी चिढ़ा रहा है, पता नहीं क्या गंदे गंदे ना, पता नहीं क्या सीन है भाई, हरकतें कर रहा है ये बंदा। सो यार इसको भी इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। सो यार आप बहुत सारे बंदे बोल रहे थे ना, और ये बंदा मेरे को मैसेज करके, मतलब ये बंदा बोल रहा था ना कल मुझे मैसेज करके कि भाई देख हमारे 2000 कमांडोज आ रहे हैं। भाई जिसने मुझे बोला कि आप रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए, क्योंकि ना मेरे 2000 कमांडोज यहाँ पे आ रहे तेरे पे अटैक करने के लिए। यार गाइस अभी ना मेरे को सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, समझ रहे हो? देख रहे हो मैं वॉल पे भी मार रहा हूँ भाई, आरपीजी वगैरह कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा इतना, देख रहे हो भाई? आग वगैरह लग रही है बस, बाकी और कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना भाई? यहाँ पर देख लो बहुत ज़्यादा ये मजबूत बंदी है, महिंद्रा जो भी है ना भाई, कौन सा सीमेंट है भाई, भाई ठीक है भाई उससे बनी है भाई, सब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल ही ना भाई। ऐसे लग रहा है मैं फायर ही नहीं कर रहा हूँ, बट क्या ही सीन है भाई, पता नहीं कौन से मेटल से बना है। तो आज मैं देख रहा हूँ भाई, मैंने अभी लेस्टर्स वगैरह से भी देखता हूँ भाई, लेस्टर से मैंने अभी तक बात तो नहीं की है। और ये देख रहे हो क्या ही नाच रहे भाई, यार नाच लो कोई बात नहीं भाई, टाइम आएगा भाई, कब तक अंदर बैठोगे कैसे, क्योंकि एंट्रेंस के जाने का रास्ता एक ही है, बट अंदर खाने पीने का सामान ना बहुत है यार गाइस, अंदर पैसा भी बहुत है, और गाइस ये लोग ज़िंदा भी रह जाएंगे, तो मेरा जल्द से जल्द। और एक बंदे ने मेरे को बोला था कि भाई टनल खोद लो, यार ये सही है बट टनल खोदने के टाइम लगेगा, ठीक है ना? और अंदर पता नहीं कितने लोग भी है, मुझे नहीं पता, तो गाइस टनल हम लोग खोदेंगे, ज़रूर खोदेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग वेट करो। और गाइस बहुत सारे बंदे बोल रहे अभी ना मुझे सिगरेट टाइट करने होंगे, ठीक है? यहाँ पे इतने सारे लोग दिख रहे हैं, अभी इसने बोला 2000 कमांडोज आने वाले हैं। भाई छोटी बात नहीं है, 2000 कमांडोज कितने होते हैं। सो यार मुझे ना अभी सारे के सारे जितने भी मेरे सिक्योरिटी है भाई सबको बुलाना होगा। तो गाइस अब टाइम आ चुका है असेंबल करने का, मतलब समझ रहे हो? तो अभी सबको कॉल करता हूँ बारी बारी से, और आप लोग देखो मेरा जलवा गाइस और क्या होता है। ऑल राइट गाइस, यार गाइस सबको ना भाई साहब कर दिया है हम लोग ने कॉल, ठीक है गाइस? अब होने वाला है गाइस महाप्रचंड, आप लोग देखने वाले मेरे जितने भी सिक्योरिटी वगैरह है ना भाई, सब लोग इधर आने वाले हैं। सो गाइस अब मेरे को बस करना है वेट, और बातचीत सबसे मैंने तो कर ली है गाइस, वो लोग कभी भी आते होंगे तो गाइस फिर आपको वहाँ पर ही मिलेंगे। सारे सिक्योरिटी मैं आपको दिखा दूंगा, अपने जितने भी सिक्योरिटी अपने लाइफ टाइम में परचेज किए हुए भाई इधर सब आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी लगने वाले हैं, क्योंकि हमें कैसे भी करके ना भाई ख़त्म करना है गेम को, मतलब इनका गेम ओवर करना है। ऑल राइट गाइस, तो गाइस ये रहा हमारी सिक्योरिटी के, आपको पता है ये अपना कितना बड़ा वाला फ्रेंड था के, आपको याद है गाइस ये बंदा कितना कूल बंदा है के भाई, ये बंदा डेयर है, मतलब इसमें भाई डर का नाम ही नहीं, ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। तो अभी आपको पता होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं भाई वो जानते होंगे भाई हमारी सारी सिक्योरिटी के, भाई जो नहीं जानता है वो भी देख लो भाई। ये है अपनी एसपीजी, इनको मेरे कपड़े वगैरह ये इनके अपग्रेड है, ठीक है ना? तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक सिक्योरिटी है, इनको अपने पुराने वाले मेंशन पे लगवा के रखा है, और आपको पता है ये अपनी है मॉन्स्टर सिक्योरिटी जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जो कि लिबर्टी सिटी से मंगवाई थी। और ये तो आपको पता ही है न्यू RSVPG सिक्योरिटी जो कि हमने अभी फ़िलहाल खरीदी है, और ये सिक्योरिटी नहीं है, ये अपने गैंग के बंदे, क्योंकि इनको भी अपने बॉस का बदला लेना है जो कि रेड स्केल मर चुका है, तो यार उसका भी ये लोग बदला लेने के लिए आ गए। सो गाइस आप बाकी के सिक्योरिटी आपको पता है NSG ये तो इधर है ही, और अपनी निंजा सिक्योरिटी ये भी इधर अवेलेबल है, ठीक है ना? टोटल कितने सिक्योरिटी है भाई आप यहाँ पर देख ही सकते हो। सो यार गाइस सारे के सारे सिक्योरिटीज़ मेरे इधर आ चुके हैं, फुल SPG अपग्रेड वाली सिक्योरिटी भाई, फुल आर्मर वगैरह पहने हैं अब सब कुछ, हेलमेट वगैरह लगे हुए हैं। वैसे तो SPG सिक्योरिटी भाई नॉर्मल होता है, अपने जैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं, बट मैं सोचा कि इनको अपग्रेड कर दूँ, तो यार ये लोग पहले से अपग्रेड वगैरह है, मतलब फुल बजट है भाई, समझ रहे हो? तो भाई जान जाने का खतरा ही नहीं, फुल आर्मर वगैरह पहन के रखा है। सो गाइस अभी ना हमको इधर से निकलना होगा, अभी पता नहीं कब अटैक वगैरह होगा, अभी इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, क्योंकि अभी फनल वगैरह भी करना है, क्योंकि ना अपना जो गैंग के लीडर है भाई वो मर चुका है, और
क्या ही बोलूँ, जो डगन बॉस ने मुझे फेक वाला डगन बॉस दिया था ना भाई, उसका भी अभी बॉडी कुछ करना होगा। पता नहीं मुझे अभी कॉल वगैरह आया नहीं अभी तक डगन बॉस का, पता नहीं उसकी बॉडी का क्या करना है। सो अभी यार मैं और रेड निंजा जा रहे हैं, आपको पता है गाइस, अब फंडल वगैरह करते हैं गाइस, क्योंकि ना भाई फंडल में जाना ज़रूरी है गाइस। आपको पता है कितना अपना बेस्ट फ्रेंड है भाई वो, मतलब कितना साथ दिया भाई अपना इतने बड़े दुश्मन को मारने में, समझ रहे हो, जो मार्टिन है उसको मारने में कितना साथ दिया है वो बंदा। सो अब उसका साथ राइट गाइस, यार फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं भाई गैंग बेस पे, जो गैंग बेस हमने इनको दिया था ना वही गैंग बेस है, मतलब समझ रहे हो, जो गैंग बेस हमने इनको गिफ्ट किया था यानी गाइस समझ रहे हो भाई सब वही वाला जो हमने जस्ट परचेस किया। तो यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर लूँ भाई, पिछले एपिसोड में हमने ये वाला गैंग बेस परचेस किया भाई, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे छोटा गैंग बेस है, भाई गैंग बेस है यार, कोई लग्जरी हाउस थोड़ी ना है भाई, गैंग बेस होता है। अभी गैंग वालों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग दूंगा तो भाई क्या बोलूँ यार गाइस, जाने दो भाई, गैंग का मतलब समझ रहे हो क्या गाइस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी भाई ये गैंग है भाई, ये पैसे वगैरह थोड़ी लेते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो ठीक है यार भाई साहब, ये लोग ना अभी अभी क्या कहते हैं उसको, पता नहीं मरने के बाद जो भी होता है तो ये कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, मतलब सैड हो चुके हैं सब लोग, एंड ये लोग आई थिंक प्रे वगैरह कर रहे हैं, और ये जो पता नहीं इन दोनों में से कौन सा रेड स्कल है और एक कौन सा फेक डगन बॉस है, तो इससे मैं पूछ लेता हूँ, मतलब ये गौतम क्या कहता हूँ उससे, पता नहीं यार कैसे मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है कि उसे क्या कहते हैं भाई, कोई मर जाता है तो भाई चलो ऐसे ये लोग गम बना रहे आई थिंक, ठीक है ना। सो भाई देख रहे हो सब लोग रहे भाई, कुछ लोग रो रहे हैं एंड भाई चलो यार कोई ना भाई, तुम्हारा भाई लीडर मैं बन चुका हूँ अभी भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है सी गए यार ये लोग देख रहे हो एंड गाइस पता नहीं गाइस, इससे भी पूछता हूँ भाई कौन सा वाला भाई पता नहीं फेक डगन है और कौन सा वाला ना ये है गाइस, तो चलो इससे पूछ लेता हूँ और फिर ना गाइस पता करते हैं, फिर अपने को गाइस फनरल भी करना है इन लोग का। और गाइस ये कह रहा है कि जो राइट वाला है ना जिसमें दो फूल लगे वो अपना बॉस ले, मतलब लीडर है गैंग लीडर, और जो लेफ्ट साइड में वो तुम्हारी फ्रेंड है मतलब फेक डगन बॉस का, और यहाँ पर ट्रेवर टॉमी वगैरह सब कुछ आए हुए, क्योंकि आपको पता है ये तीनों गैंग के मेम्बर थे, बट गाइस इनका गैंग लीडर मैं बना, अब मुझे नहीं पता गाइस क्या ही सीन है। चलो ठीक है यार भाई, अब इनको क्या ही बोलूँ, इनकी आत्मा को शांति दे और रेस्ट इन पीस। आप लोग अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे RIP ज़रूर लिख देना, तो मुझे पता चलेगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो गाइस क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा ही गाइस सैड वाला सीन है, अब क्या ही बोलो गाइस, अब तो इधर कॉमेडी तो कर नहीं सकते, अब विचारों का यार गाइस इतना बड़ा लीडर मर चुका है जो कि यार बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, और कितना बड़ा वाला लीडर है, इसने इतनी बड़ी गैंग हासिल कर दी ना, मतलब इस बंदे ने क्या क्या नहीं किया, मतलब YCT मतलब सॉरी आई थिंक हाँ यस गाइस बहुत बड़ा वाला गाइस इसने एम्पायर खड़ा किया है, कसम से गाइस इतना बड़ा वाला गाइस एम्पायर खड़ा करके ना ये बंदा गाइस जा चुका है, मतलब YCT में इस बंदे ने क्या क्या नहीं किया। चलो कोई बात नहीं यार, बहुत सही है भाई इसका YCT में इतना बड़ा गाइस पता है बेस है, और ये बंदा लॉस सैंटोस में तक आ गया और इतना खतरनाक वाला ड्रग्स वगैरह का बिजनेस किया ना क्या ही बोलो, और इनके लोग ने सारे के सारे आई थिंक टैंक वगैरह इधर ला लिए, इतने खतरनाक टैंक है ना भाई इन लोग के पास क्या ही बोलूँ। चलो कोई बात नहीं चलता है भाई साहब, बहुत बढ़िया, अभी हम लोग को ना इनको न्यू कपड़े देना चाहिए कि ना, आप लोग मेरे को चैट में बताओ। ऑल राइट गाइस यार अभी ना हम लोग इनके फंडल पे आ चुके थे ठीक है, और गाइस विदाउट टाइम पास किए, और गाइस यहाँ पे ना सारे की सारी जितने भी प्रोसेस होती है भाई सब हो चुकी है, बस अभी मिट्टी डालना बाकी है। और यहाँ पर देखो भाई ट्रेवर क्या ही कर रहा है भाई, भाई ट्रेवर के लात मारूंगा ना भाई जाके गट्टे में गिर जाएगा भाई, लात मार दो क्या, नहीं यार भाई कॉमेडी नहीं करूँगा भाई इधर सॉरी, बट यार क्या ही बोले गाइस, अपना कुछ लोग आए भाई बहुत कम ही लोग आए भाई, गैंग के कम लोग आए, क्योंकि मैंने उन्हें बोला है कि देखो यार इधर आके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई लॉस्ट गैंग आपको पता है गाइस, और ये जो बॉडी है ना भाई ये वाली बॉडी है फेक डगन बॉस की ठीक है, उसने मुझे कॉल किया और वो कह रहा है कि भाई तुम लोग वहाँ पे मेरे बॉडी को लेके आओ, यहाँ पर दफनाना नहीं भाई ठीक है, वो कह रहा है कि तुम लिबर्टी सिटी आओ और बॉडी को लाओ भाई कच्चो, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए भाई। भाई साहब ठीक है यार जो बोला है वो करना तो पड़ेगा यार, अब ये लोग गाइस हमने सब कुछ जो भी तरह फूल वगैरह इधर रख दिया है, सब भाई साहब ये लोग ठीक है दुख को मना रहे हैं, मनाने दो कोई बात नहीं गाइस, अब क्या ही कर सकते बेचारा मर गया तो अभी ठीक है यार ठीक है कोई बात नहीं।
सब लोग चैट पे आ रहे हैं फिर लिख दे रहा, तो मेरे को समझ आएगा कि आप भी सैड हो तो यार क्या ही बोले। मतलब इतना बड़ा वाला लीडर मर गया ना भाई। कोई ना यार, चलता है भाई, मार स्पीड होती रहती है, बट ठीक है, अब इसकी बॉडी को टिका लगाना पड़ेगा और लिबर्टी सिटी ले जाना होगा यार। अब वही गेम करते बैठेंगे यार भाई, इस बीच में ना हमला वगैरह ना हो जाए, क्योंकि भाई इतने दुश्मनी चल रही है और ऊपर से यार अभी इसकी बॉडी को मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ वगैरह हो गया ना भाई प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत ही बड़ी, क्योंकि अभी इस बंदे ने अपनी जान बचाई, समझ रहे, इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना मैं किसी को भी भेज देता, बट ये बंदे ने अपनी और सबकी जान बचाई है, फ्रैंकलिन ट्रेवर, तो इसलिए मैं खुद इस बॉडी को ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसी के वजह से हम लोग आज जिंदा है। क्योंकि गाइस उन लोग को चाहिए था डगन बॉस, हमने पकड़ा दिया उन्हें फेक डगन बॉस, और उसने फिर भी गाइस मतलब वो हमें मारने वाला था, बट पता नहीं किस्मत ने साथ दिया और हम लोग बच गए। ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं यार, होते रहता है, और फटाफट से ना चलते भाई इधर से। और एक सेकंड, ये रास्ता यहाँ से आए थे क्या? पता नहीं यार, मैं तो आ गया भाई बारात की जैसे ही। चलो भाई रखते हैं ना, मैं गलत रास्ते से आ गया हूँ। ठीक है कोई ना, पहले यहाँ से जाते हैं राइट से, यहाँ से आगे से राइट मार लेंगे। चलो 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 यार, फटाफट से ना इधर से राइट वगैरह मार लेते। और बारिश भी ऐसी हो रही है भाई, ख़तरनाक बारिश हो रही है भाई, कब्रस्तान पे भाई बारिश भाई फट जाती है। चलो ठीक है, तो अभी फटाफट से ना हमें जाना होगा भाई लिबर्टी सिटी, और पता है भाई पता नहीं कि इस वहाँ पर जो अपना बोर्ड बहने वहाँ पर कुछ हो ना जाए, बस मुझे कंट्रोल में रहना है और कॉन्टैक्ट में रहना है सबके गाइस। तो चलो फटाफट से ना चलते हैं। वेट गाइस, अभी ना मुझे कॉल आई थी और कह रहे कि यार यहाँ पे ना कुछ अटैक वगैरह शुरू हो चुका है अभी इसी वक्त। यार मैं फटाफट से ना भाई यही वाली गाड़ी ले आ गया भाई साहब, टाइम नहीं था बिल्कुल ही, और गाइस मुझे आना पड़ा, जब जैसे मैं नहीं चाहता कि यार यहाँ पे ज़्यादा लोग मरे। और भाई ये देखो एक हेलीकॉप्टर इसकी बैस क्या भाई, मुझे पता था गाइस ऐसे कुछ होने वाला है भाई, इसलिए हमने सारा का सारा भाई प्रिपरेशन कर दिया था, मतलब सब कुछ आर्मर वगैरह पहन लिया था। यार डगन की बॉडी को ना भाई ले जाओ यार कहीं सुरक्षित, यार वरना कुछ हो ना जाए भाई, फेंक है वैसे डगन बॉन्स, बट कोई ना इसकी बॉडी को हम लोग फिर से रिकवर कर लेंगे, मतलब जो भी है ना भाई। अटैक वगैरह शुरू हो चुका है बिल्कुल ही गाइस, खतरनाक वाला। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो सारे के सारे भाई हेलीकॉप्टर आ गए भाई, अभी तो कम है फिलहाल भाई अभी, बट अटैक तो शुरू हो गया ना, तो यार हमें रेडी रहना पड़ेगा। पता नहीं 2000 है या कितने हैं भाई, जितने भी है भाई सबको मारना होगा भाई। अभी मैं इधर आ चुका हूँ भाई, ये लोग इधर देख रहे हो, सब लोग वेट कर रहे हैं कब हेलीकॉप्टर से अटैक होगा भाई, कब नहीं होने वाला है। तो चलो यार अभी सारे के सारे ना भाई साहब, ठीक है भाई हेलीकॉप्टर से अटैक कर रहा है ये बंदा, एयर स्ट्राइक से अटैक कर रहा है भाई, रेडी रहना सब। और भाई मैंने गलती से ये फोड़ दिया, रही यार कोई बात नहीं, चलो अभी सारे फोड़ देता हूँ। यार इसमें एक मिसाइल लग गया, वो कितने ऊपर चला गया भाई। भाई ये सारे के सारे पता नहीं किस लकड़ी के बने या किस चीज़ से बने, पता नहीं यार ये बंदे, मैं एक गोली मार रहा हूँ ना भाई, हवा में उड़ गया वो, पता नहीं यार क्या ही सीन था। तो यार चलो इसको मार के देखते हैं भाई, क्या पता गिर जाए, अभी भी नहीं गिर रहा है भाई, गिर जा गिर नहीं रहा। चलो भाई ये गिर चुका भाई साहब, ओ भाई भाई सारा का सारा चाइना का मन लगा रखा है भाई, एयर स्ट्राइक करेंगे चल आ जा। अब क्लियर यहाँ से ना पता चल जाएगा कौन किधर से आ रहा है, वरना भाई क्या हो रहा है, पूरा ना पैक था भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन किधर से आ रहा है, समझ नहीं। तो भाई टैंक वगैरह भी ला लिया सारे ने भाई, देख रहा भाई 2000 कमांडो बोला था, बट सारे ने टैंक से भी अटैक कर रहा है। कोई ना भाई, हमारी सारी की सारी सिक्योरिटी इधर अवेलेबल है भाई, SPG NSG और RSBPG और निंजा और मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी और गाइस अपनी रेड स्कल गैंग के बंदे भाई सब इधर ही अवेलेबल है। कोई ना भाई, हर चीज़ से अटैक कर देंगे, सब मिलके भाई इनकी बैंड बजा देंगे भाई। एक काम करता हूँ, ये लोग ऊपर से एयर स्ट्राइक अटैक कर रहे हैं गाइस, पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ से आ रहा, तो मैं सारे के सारे वॉल ही फोड़ दूँ भाई। तुम लोग भी वॉल फोड़ो यार फटाफट से भाई, देख रहे हो भाई सब, एक सेकंड कौन मार रहा है किधर से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई ये क्या हो गया भाई, ये लकड़ी के बने पता नहीं पुट्टे के बने, ये देखो इसको मारा नीचे गिर गया। ओ भाई ये देखो कहाँ से आ गया, ठीक है चलो कोई ना, इसको भी गिरा देंगे भाई, गिर नहीं रहा, अरे बेइज्जती हो गई यार कसम से यार। चलो कोई बात नहीं, अब भाई खुल्ला नज़र आ रहा है, ठीक है अब खुल्ला नज़र आ रहा है, अब आएगा ना मज़ा। ठीक है यार ये गिर की ले रहा है, इसको भी गिरा देंगे भाई, लग रहा है ज़्यादा टाइट बना है। चलो इसको भी गिरा दिया भाई साहब, मज़ा ही आता है बड़ी बड़ी चीज़ें गिराने के भाई। और भी कोई है क्या भाई, मुझे लग रहा है ना और भी बंदे आने वाले, क्योंकि अभी तो भाई लग रहा है से 20 या 15 लोग आए होंगे भाई। हेलीकॉप्टर से अटैक कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, हम लोग सब रेडी भाई, देख रहे हैं हमारे पास हाईटेक वेपन भी है, जो भी हमारे बंदे हैं ना NSG वालों के पास भाई हाईटेक वेपन है, और मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी के पास मेरी गन है, और भाई सबके पास बढ़िया गन है। सो एक काम करता हूँ, मैं भी एक बढ़िया से गन चूज़ कर लेता हूँ, और ये लोग भी अटैक कर रही है
चलो चलो भाई, ये वाली गन की बढ़िया लग रही है, बट अभी इसको मारने के लिए गन लगेगी। ये देना भाई ब्लास्ट करने वाली गन। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और सब लोग देख रहे हो कितने ज़्यादा बंदे हमारे भाई, सारे के सारे ना अटैक ही कर देंगे। चलो ठीक है भाई, तुम लोग पेलो बस भाई, मैं इधर देख रहा हूँ भाई, आराम से ना तुम लोग भाई मारो। ठीक है चलो यार, गए सारे के सारे बंदे आते ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, सबको पहलेंगे भाई। कमांडर्स भेज रहा है भाई ये बंदा, देख रहे हो कोई ना भाई, हमारे भी पास भी खतरनाक खतरनाक वाले सिक्योरिटी भाई, सब मिलके भाई लग रहा है, ऐसे लग रहा है एवेंचर्स वाला गेम सिर हो गया भाई, सारे के सारे सिक्योरिटीज आपको देखने को मिल रहे हैं भाई। वैसे ना अभी ये मेरी जो सिक्योरिटी भाई, मैंने सिर्फ ग्राउंड स्ट्राइक वाली बंद होगी पता है, अभी ना मेरी एयर स्ट्राइक वगैरह भाई बहुत कुछ अपने पास अवेलेबल है, बट अभी ना अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है समझे। अभी अपने हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी इनके भी हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहे हैं, गलती से अपने बंदे को लग गया ना, तो समझ रहे हो, इसलिए मैं आप बोल रहा हूँ कि यार अपने हेलीकॉप्टर वगैरह किधर है भाई, सब कुछ है अपने पास, बट अभी ये खुद एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो समझ सकते हो अगर हमने गलती से अपने हेलीकॉप्टर को गोली मार दी सो अपने लोग मरे गए, सो इसलिए अभी हम ग्राउंड स्ट्राइक ही करेंगे। जब अभी अटैक करेंगे किसी पर तो हेलीकॉप्टर वगैरह ले जाएंगे, तभी तो अपन लोग अभी प्रोटेक्शन हो रहे हैं, मतलब अपने को प्रोटेक्ट करना है, मतलब जो भी है बचना है अपने को, ठीक है। तो कोई ना भाई, आने दो भाई सबको, आने दो भाई सबको, मार देंगे भाई, आते ही जा रहे हैं यार ये कसम से यार, अभी तो लग रहा है अभी लग रहा है ये सिर्फ 150 ही मरे होंगे अभी तो, मुझे लग रहा है ना भाई, बहुत कम है भाई। ये कहाँ से आ रहा है गाड़ी लेके, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, भैंस की आग मारो ना इसको भाई, ये दिखी नहीं रहा लग रहा है, इनको लग रहा है सब कन्फ्यूज लग रहा है, ये अपनी सिक्योरिटी का बंदा है भाई, मेरे सिक्योरिटी वाले ऐसी गाड़ी नहीं चलाते हैं। और भाई ये देखो भाई, ये टैंक लेके आ गया भाई, फायर कर वो भाई, अरे भाई बच गया भाई बच गया, अरे तुम लोग मारो यार, ये बहुत पावरफुल टैंक यार कसम से। ठीक है भाई, ये वाली गन निकाल दी भाई कसम से ना भाई, ब्लास्ट वगैरह हो चुका है। ये देखो भाई, ये देखो ये कमांडो भाई, सस्ते वाले कमांडो, आ जाओ भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है अपने पास भी अटैक ओपन है भाई, अपने पास भी मिली गन है अपनी, ये KSPG वाली सिक्योरिटी भी है। और चलो ठीक है सारी सिक्योरिटी असेंबल हो गई ना भाई, कसम से आज मज़े आ गया भाई। अगर आप लोग इधर ही मेरे यहाँ तक देख रहे हो तो भाई चैट पे लिख दो भाई, क्या लिखोगे भाई, सारे के सारे सिक्योरिटी लिख दो भाई, यूनाइट लिख दो मतलब सब मिल चुके हैं, सब मुझे समझ आएंगे। तो आप इधर मेरे यहाँ तक देख रहे हो भाई, यूनाइट लिख दो मतलब होते हैं ना। चलो भाई साहब बहुत ही बढ़िया, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सिक्योरिटीज बोल सकते हो भाई, सारे के सारे सिक्योरिटी मिल चुके हैं। और भाई मज़ा आता है ना जब सारे मिलके भाई अटैक कर रहे हो भाई एक ही दुश्मन पे, सो यार बहुत ही बढ़िया। ठीक है कोई ना, आ जाओ भाई आ जाओ, जिसको भी आना आ जाओ, अब जितना अटैक करना है कर दो भाई, अब हमें कोई रोक नहीं सकता है। अब इसको अगर अपने पास सिर्फ एक ही सिक्योरिटी है भाई, इसे क्या पता अपने पास क्या क्या अवेलेबल है अभी तो अपने पास भाई। और वैसे ना अपने पास जेट वगैरह नहीं, तो मुझे आज जेट वगैरह भी खरीद लें। ठीक है यार गाइस, जेट वगैरह भी खरीद देंगे और बहुत कुछ करना है आज। ठीक है भाई, तुम लोग यार गाइस वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो यार, 1000 लाइक कभी हो ही नहीं रहे यार गाइस, 10 वीडियो डाल दिया बस, 10 के 10 वीडियो में 1000 लाइक नहीं हो रहे गाइस यार, ना व्यूज़ भी कम आ रहे, तो आप लोग यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। ठीक है ना, आप लोग करते नहीं हो, फिर डीमोटिवेट रहता है बंदा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में भाई दिल लग जाते हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और पूरा वीडियो वॉच करना, और स्किप तो भाई करना है बस, और प्लीज़ 1000 लाइक ज़रूर कर दें। चलो यार गाइस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और भाई, अरे भाई क्या है भाई, कहाँ से आई गाड़ी भाई, चलो बहुत सही, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ओमी वाला लॉन्चर निकाल दें, ऑटोमेटिक जाके ना भाई फाड़ देगा सबकी, बहुत ही बढ़िया भाई, सबकी ना भाई छीन के रख देंगे, एक ही नंबर। चल बहुत ही सही भाई, सबको फोड़ देंगे। ओके भाई साहब, बहुत बढ़िया वाला लॉन्चर है भाई, ऑटोमेटिक जाके भाई कितने अटैक छोड़ेंगे भाई, सिर्फ गाड़ी चला रहा है कि अटैक भी कर रहा है, मिसाइल भी छोड़ रहे हैं यार, ये मिसाइल छोड़ रहा है कि नहीं भाई, मुझे इसकी वजह नहीं आ रहा है भाई, क्या पप्पू है यार ये लोग कसम से ना भाई, कुछ कर ही नहीं रहा यार ये, मिसाइल छोड़ दे भाई, सिर्फ फायर वगैरह हेलीकॉप्टर उड़ाने से क्या जीत जाओगे क्या भाई साहब, कितने ज़्यादा सिक्योरिटी भाई, अपने कुछ लोग मरे भी है क्या, मुझे लग रहा है ना कुछ अपने लोग मर भी रहे। ठीक है यार भाई, लग रहा है अपनी जो फेक टक्कर बॉस है ना, उसकी बॉडी को यार भाई कहीं ना कहीं रख देना भाई, प्रोटेक्ट जोन पे। चलो भाई साहब बहुत सही, बढ़िया अटैक हो ही रहा है, अभी भी फाइट चली रही है भाई, मुझे अभी ना फाइट करने का मन ही नहीं कर रहा, इनको देखो यार, कितने ज़्यादा लोग अपने फेवर में फाइट कर रहे हैं, मतलब अब इन्हीं को देखने में मज़ा आ रहा है,
भाई देखो अब भाई अटैक करना शुरू कर दिया इसने। अरे ये हेलीकॉप्टर की बैस क्या भाई, अभी मैंने बोला भाई अटैक ही कर रहे हैं, देखो अटैक करना शुरू कर दिया। चल चल निकल बेटा निकल। ये देखो भाई ऐसे आ रहे, ऐसे पबजी खेल रहा है भाई, फ्री फायर खेल रहा है क्या? ये पक्का फ्री फायर का बंदा है भाई, देख रहे हो भाई, भाई पीक से उतर रहा है भाई, पागल वगल हो गया क्या भाई? 10 लेवल है नहीं भाई, जैसे उतर रहा है भाई ऐसे उतर रहा है जैसे क्या ही बोलूँ। चलो चलो कोई है क्या, आ जाओ भाई, चलो चलो सारे सारे उधर जा रहे हैं भाई, एक के पीछे एक भाई, एक बंदे को कितने लोग मारोगे? सब तैयार गए, मज़ा ही आ गया भाई, इतने सारे लोग अटैक कर रहे हैं ना भाई साहब, बिगेस्ट वॉर भाई, इसको वार बोल सकते हो भाई, जंग बोल सकते हो भाई, अपनी ज़मीन जीत रहे भाई। ये कौन है भाई, इसकी वह क्या, कितने लोग मार रहे हैं, उसको मर ही नहीं रही है भाई। ये बंदा फुल भाई प्रूफ पहन के आया भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पता नहीं जो भी होता है ना भाई, कितने लोग मार रहे थे उसको कसम से भाई, अपने 40-30 लोग मिलके मार रहे थे भाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ ऐसे। चलो अब हो चुका है, अब जा चुका है ऊपर, और ना भाई साहब एक सेकंड, ये रॉकेट कौन छोड़ रहा है भाई, भाई बच के रहना भाई, मरना मत भाई साहब ये बंदे। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इसके पास RPG भाई, बच रहा भाई, मैं चाय बचाओ कसम से भाई, मर ही नहीं रहा भाई, और भाई चाय बचाओ भाई, वो भाई यार 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 बच गया बच गया। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओ यो यो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कहाँ गया झाड़ी में, झाड़ी में क्या मुतले गया क्या, कहाँ गया भाई, भाई लग रहा है खुद के मिसाइल से मर गया, लग रहा है ना खुद के, ये आ गए भाई पबजी वाले प्लेयर भाई, पबजी और FF वाले प्लेयर आ चुके यार भाई, ये पक्का ना आ चुके भाई, कोई ना उधर देखा तो मरोगे भाई, हाँ फिर मार देंगे तुमको। चलो मर गए भाई, आ जाओ भाई, आ रहा है स्क्वाड लेके भाई, तू स्क्वाड लेके आ जा नल्लो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, गया गाइस ख़त्म है भाई, बिल्कुल ही ना गेम ही ख़त्म है। सो चलो यार और भी कोई है क्या, मुझे नहीं लग रहा है अब कोई आएगा, ठीक है सब ख़त्म है सब ख़त्म है भाई, तू भी आ जा भाई, खेती कर ले इधर आके सारा, क्या ही बोलूँ यार, चोमू को भाई इधर आ रहा है, और ये लोग भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये देखो भाई अंदर बैठे बैठे भाई देख ही रहे हैं ये लोग, इसकी बहस की आग कसम से ना दिमाग ख़राब होता है यार। ये एगल और भाई ये जो भी है इसका भूतनाथ वाला दोस्त, पता नहीं क्या नाम है, इसका नाम भी नहीं बोला इसने मेरे को यार, गैस पता नहीं। चलो भाई भाई कितने लोग आ रहे हैं, बस करो भाई, अभी कितने लोग मार दिए होंगे गैस, आप लोग मेरे को चैट में बताना भाई, जिसने गिने भाई मुझे भाई उसको भाई क्या ही बोलो यार। और एक सेकंड मुझे अभी मैसेज आ रहा है किसी का भाई, अभी मुझे एगल ने मैसेज किया आई थिंक, तो चलो एक बार मैसेज होंगे देखता हूँ और आपको बताता हूँ इसने क्या बोला है, और चलो एक बार देख लेते गैस भाई, ये बोल रहा है क्या बिना भाई, ये तो अभी 300-200 ही है भाई, ये कह रहे हैं कि अभी ना 200-300 ही है बस, अभी तो 2000 वाले वो अलग से आने वाले हैं, मतलब जो 2000 आने वाले हैं ना वो अलग है भाई, फिर ये कौन है, इसकी बहस की आग यार, कोई ना यार भाई, ये कह रहा है कि अलग से लोग आने वाले, समझ रहे हो भाई, कोई ना यार इस, ठीक है यार ठीक है ठीक है भाई, जिसको भी आने आ जाओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ये कह रहे हैं ना अलग बंदे आएंगे अभी, तो ये तो अलग है भाई, 2000 वाले नहीं है ये, अलग कमांडो से है, कोई ना भाई आ जाओ भाई, दिक्कत की बात नहीं है भाई, बच के रहना यार, कोई मरना मत बस भाई, ऐसे लग रहा है ना भाई कोई वॉर्ल्ड फील्ड में आ चुका हूँ कसम से। और ये देखो भाई चाय हिल रहा है ना भाई भाई, ये बिल बोर्ड लगा के रखा है कसम से भाई, प्रोटेक्शन करेंगे भाई बिल बोर्ड वाले इसका। ओके यार गैस ठीक है सब कुछ ओपी तरीके से चल रहा है, आई होप कि ये वाला जीत जाओ भाई, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं इसके भाई, बहुत पावरफुल है, आप सोच के देखो कितना पावरफुल बंदा है, इतना पावरफुल बंदा है ना, मैंने सोचा नहीं था ये बंदा इतना पावरफुल होगा भाई, इसका ना भाई चल ही रहा है अभी, एक तो भाई मैंने क्रूजर को मारा, फिर क्रूजर का भाई निकला मार्टिन, फिर मार्टिन को मारा तो इसके दोस्त निकला ये दोनों एगल और ये, अब ये दोनों का पता नहीं कौन आ गया, एक बाबा टूगी बाबा नज़र आ रहा है मुझे तो, ये यार ये क्या चल रहा है भाई, इनकी पूरा खानदान मेरे से लड़ रहा है, अभी लग रहा है इनका पूरा खानदान गाइस, भाई समझ जाओ भाई, ये पूरा खानदान लेके आ रहा है भाई, मेरे क्रूजर को मार के गलती कर दी है, बहुत बड़ी वाली गलती कर दी, अभी ना इनकी फैमिली का चैप्टर क्लोज करना होगा गाइस, ठीक है ना, ये जितने भी भाई क्या ही बोलो, अब इनका फैमिली का चैप्टर क्लोज करना होगा कैसे भी करिए, क्योंकि ये दोस्त चाचा भतीजा भाई जो भी है ना, मामू बाबा गाइस बाबा वगैरह सब कुछ भाई ख़त्म करना होगा, क्योंकि ना भाई ये ज़्यादा ही हो रहा है, इनकी पूरी फैमिली ख़त्म कर लूँ भाई, इनका पूरा खानदान भाई गायब करना होगा, इस लॉस सैंटोस और लिबर्टी सिटी भाई हर जगह फैले हुए हैं ये लोग, अब पता नहीं इसके बाद ये तीनों को मारने के बाद कौन आएगा नया,
मैं नहीं चाहता कोई लड़ा है यार, अभी इनको भी मारते मारते ना क्या ही बोली। ठीक है अभी देख रहे हो टैंक को फोड़ दिया भाई, ज़्यादा ही रीच वाली फैमिली लग रही है। ठीक है यार कोई ना, सब कुछ ख़त्म है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है बहुत ही बढ़िया, और बस ना अभी देख के रहना होगा भाई। अब भाई कैसे भी करके ना अब ये वॉल को फोड़ना है अपने को। ठीक है भाई ये वॉल को फोड़ना है अपने को, समझ रहे हो भाई, ये जो वॉल है ना इसको फोड़ना है, और ये अंदर घुस के ना भाई ये मार्टिन और दोनों को मारना है। बट पहले अपनी इनको मार दी यार, ये लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहे यार, कब से फाइट कर रहा हो यार, अभी तक कितने मार दिए होंगे गाइस। वैसे ऐसे लग रहा है अभी तक मैंने 150 लोग मार दिए होंगे अभी तक, 150 या 130 या 120 लोग मर चुके होंगे अभी तक इनके, अभी तो 2000 लोग आना बाकी है भाई साहब। भाई मुझे लग रहा है ना अभी अपने को और सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेंगी, या अपने को प्रेसिडेंट की हेल्प लेनी पड़ेंगी गाइस। आप लोग ही बताओ यार, अभी ना पैसे भी करके इसको रोकना होगा और प्रेसिडेंट की हेल्प लेनी होगी गाइस, क्योंकि ना अभी भाई इसने बोला है कि अभी ये सिक्योरिटी मतलब हम लोग टैंक वगैरह भाई हर चीज़ लेके आने वाले हैं। सो कोई बात नहीं यार, अपने को कुछ करना होगा भाई, अपग्रेड करना होगा। अपने पास हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, फायर जेटर्स कुछ भी नहीं है। सो यार अपने पास अभी समझ रहे हो भाई बड़ी बड़ी चीज़ इतने अच्छे नहीं हैं, तो हर चीज़ परचेस करनी होगी यार। इसकी फैस क्या, कितने लोग हैं यार भाई, इतनी लंबी फाइट चलती है क्या भाई? भाई ऐसे लग रहा है कि वार में आ गया वो इस भाई। ठीक है ठीक है भाई, बच के रहना भाई साहब, ये देख रहे हो भाई इसको मार रहे हो। ठीक है कोई ना भाई, सब ख़त्म हो जाए बस, सब के सब ख़त्म हो जाए। और ठीक है कोई आगे की तरह, एक सेकंड में इधर कोई ना कोई नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है चलो चलो। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, इधर ए स्ट्राइक हो गई किसी ने भाई, जेट भाई इनके पास जेट भी है यार, क्या जेट को ऐसे मारेंगे यार? अभी जेट आया था, सब कोड आगे ले गया भाई, सब कितने लोग मर चुके मेरे भाई यार। जेट को मारना मुश्किल ही ना, मुश्किल नामुमकिन है भाई, इतनी स्पीड में गया ना भाई, कसम से भाई कितने लोग मार गए इसने हमारे भाई। हेलीकॉप्टर वगैरह को मारना बहुत इजी है, बट यार ये जेट जो आता है ना बहुत महंगा आता है भाई, वो जेट मेरे पास भी नहीं अभी, समझ रहे हो, जेट बहुत महंगा आता है, उसकी स्पीड इतनी होती है नहीं, कसम से यार उसको मारना मुश्किल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। बस उसके लिए हमको ड्रोन सिस्टम लगवानी होगी, बट अभी इस एरिया में ड्रोन सिस्टम कैसे लगाओ भाई? सुख हुई ना यार, अभी हेलीकॉप्टर को मारते हैं और भाई गेम वगैरह ख़त्म करना होगा कैसे भी करके। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही, ख़त्म 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 भाई। बस यार ये जेट वगैरह समझाना कर दे भाई, मुझे इसी बात का डर लग रहा है भाई, जेट वगैरह समझाना हो जाए। ये एक सेकंड भाई, ये क्या हो रहा है इसकी आग, बचो 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 बचो, पता नहीं कौन सा अटैक कर रहा है भाई, ये कौन सा मिसाइल भाई, ये मिसाइल ना ही जेट का ना ही कौन सा है गाइस। ये जो मिसाइल है ना भाई, जो रियल वॉर में होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश पर जो जाता है मिसाइल, वो वाला मिसाइल है भाई, आप लोग ने देखा क्या नहीं भाई, ये सुपर आइकॉनिक मिसाइल है, मतलब समझ रहे हो, मतलब एक जगह से ये छूटता है ना तो दूसरी जगह पे आके ये गिरता है, वो वाला मिसाइल था, आपने नोटिस किया क्या? ओ भाई पता नहीं वो ही था या कोई मिसाइल या एयरप्लेन का मिसाइल था, मुझे नहीं पता गाइस, बट मुझे वैसे ही लगा। चलो यार कैसे आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगी भाई यार, ये हेलीकॉप्टर वगैरह भाई इसकी भैंस की आग चल निकल भाई, कुछ दम तो है नहीं सिर्फ हेलीकॉप्टर चला रहा आके। चल भाई ख़त्म है भाई साहब, अब लग रहा सब ख़त्म हो चुके भाई यार, क्या ही गंदा अटैक था ना वो भाई, कितने लोग मारेंगे मेरे उसमें भाई, ज़्यादा ही लोग मारेंगे कसम से यार। ये देखो टैंक वगैरह भी लेके आ गया यार, बहुत ही गंदा सीन है। और भाई 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 यार ये देखो, वो देखो जेट प्लेन देखा आप लोगों ने भाई, देखो जेट प्लेन देखा कि नहीं आप लोग ने यार, ये जेट प्लेन से अटैक हुआ और मेरे एनएसजी के बंदे मारेंगे यार। अभी जेट प्लेन भाई इतना गंदा होता है ना, ये जेट प्लेन के जो मिसाइल होते हैं भाई, कितना भी आर्मर वगैरह पहन लो भाई, कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल होता है ना ये जेट प्लेन जो यूज़ होते हैं भाई, रियल वाले वॉर में यूज़ होता है उसको। भाई मैं एक बार देख लूँ भाई, इसको मार सकता हूँ तो भाई, कहीं दिख नहीं रहा है हवा में भाई, कहीं हवा में नज़र ही नहीं आ रहा है, वरना इसको यहाँ पे फेल दो भाई। पता नहीं यार गाइस, ये जेट वाला है, मुझे ना मारते भाई, मेरी फट रही है, पता नहीं इनके पास क्या क्या कौन कौन से मिसाइल है यार, बहुत ही गंदा सीन है। चलो अभी टॉमी वगैरह के जिंदा है ना,
भाई निंजा तो मर तो नहीं गया ना? निंजा कहाँ पे भाई? निंजा किधर है? निंजा निंजा कहाँ पर है? रेड जा भाई जिंदा है ना भाई? ये कह रहे हैं कि अभी वॉर में होगा, हमने पता नहीं, हम लोग तो फाइट कर रहे थे। चलो चलो इधर आ गया भाई, क्या फाइट कर रहे हो भाई? डर गया ना, मुझे लगा रेड निंजा मर गया है भाई। कहाँ? चलो यार, रेड निंजा कह रहे हैं कि भाई हमने फेक डगन बॉस की बॉडी ना उधर नई वाली गाड़ी में लगवा दी, तो फटाफट से भाई बॉडी सेफ है और वो बॉडी को हम लोग लिबर्टी सिटी ले जाने वाले हैं भाई डगन बॉस को देने के लिए। गाइस यार, गाइस गंदाई वाला सीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही गंदा। ठीक है फटाफट से भाई, बहुत ज़्यादा ही लोग मर चुके हैं। कितने लोग मर चुके हैं भाई, कसम से आप लोग देखो यार, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया। अब अपने गैंग के बंदे तक मरे, अपने हर गैंग के बंदे मरे, बस सबसे कम ना भाई निंजा सिक्योरिटी के मरे, आई थिंक निंजा सिक्योरिटी और KSPG के बहुत कम लोग मरे, बाकी NSG के ज़्यादा लोग मरे, और वैसे NSG के लोग ज़्यादा थे यहाँ पर, इसलिए बाकी के सब लोग कम थे ना, इसलिए तो कम लोग मरे होंगे। तो ये NSG के लोग ज़्यादा थे यहाँ पर, तो इसलिए ना इनके नंबर ज़्यादा है डेट। तो आप लोग इनको नोट मत भूलना, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। अभी यहाँ पर देखो यार, ये देखो अभी ये बंदा फिर से मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि कैसे लगा, मज़ा आया कि नहीं, इसकी भैंस की आँख। गाइस तो इसने अभी, मैंने आपको बोला, वही बंदा वही सेम मैसेज किया, एंड अभी और भी मैसेज किए इसने मेरे को, और बहुत सारे मैसेज किए। वो कह रहा है कि देख अभी भी तेरे पास चांस है, इधर से निकल जाए और हमें जाने दे, वरना तू भी यहाँ पे मरेगा। अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास जेट प्लेन वगैरह है और हम लोग तेरे पे अटैक करने वाले, तो बच के रह जा, तू इधर से निकल, नेक्स्ट टाइम हम लोग सिर्फ जेट प्लेन से अटैक करेंगे। और ये बंदा ना पता नहीं, ये ढोंगी बाबा, इसकी भैंस की आँख, ढोल बजा रहा है यार, गाइस मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और ये एगल चचा, तुझे छोड़ने वाला नहीं, बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, इतनी गंदी मौत मारूंगा ना भाई, सोच ही नहीं होगी। अरे अरे अरे, आराम से यार, रेड निंजा को चक्कर आ गया क्या भाई? अरे रेड निंजा को चक्कर आ गया भाई, ग्लूकोज पिलाओ बेचारे भाई, गिर गया भाई क्लियरली, आपने देखा कि नहीं भाई? ज़्यादा ही लोग मरे यार, हंसना नहीं चाहिए भाई। आज का दिन बहुत ही गाइस सैड है यार, मतलब शिट यार, इतने लोग मरे ना, आपने सोच ही नहीं थे इतने लोग मरेंगे। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलता है भाई, इतना तो चलता है गाइस। और ये भाई सब बहुत बहुत लंबी फाइट हुई है, मतलब इधर ही नहीं उधर भी फाइट हुआ है। चलो ठीक है, अभी मुझे उसने बोला है कि यार अपना जो वो है ना फेक डगन बॉस की बॉडी भाई, वो अलग वाली गाड़ी में उधर रख दी है। ठीक है यार, बहुत अच्छा काम किया, वरना उसकी बॉडी जल जाती ना, प्रॉब्लम वगैरह हो जाती। पहले भाई मिसाइल गिरा हमारे पे भाई, आप लोगों ने देखा हमारी गाड़ी वगैरह फूट गई थी, बढ़िया बंदा पहले से मरा हुआ है, तो अब क्या ही करें। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिंदा होगा भाई, हम लोग जिंदा है, बस यही मैटर करता है भाई। किधर गया भाई? झाड़ियों में नज़र नहीं आ रही है भाई, ऐसे छुपा के रखे जैसे भाई जिंदा बंदा हो यार, वो मरा हुआ है भाई, इतना उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो तुम लोग। ठीक है चलो यार, मरा हुआ बंदा है, वैसे निंजा सिक्योरिटी भाई बहुत ज़्यादा ही ओपी लेवल है भाई, मतलब ये लोग ना भाई, इनका हमेशा काम 100% होता। ठीक है यार, बहुत अच्छा काम किया। चलो यार, फटाफट से रेड निंजा बैठ जा गाड़ी में, और भाई सब अपने को निकलना पड़ेगा, ये बॉडी को कैसे भी लेके लिबर्टी सिटी। और ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया आज, मतलब चाय बोलू बहुत ज़्यादा ही। अब कैसे भी करके ये जो ग्लास है ना भाई, इसको ब्रेक करना होगा और भाई गेम ओवर करना होगा इस बंदे। सो चलो यार, अभी ना गाइस फटाफट से चलते हैं, और भाई लेस वगैरह से मिलना होगा, और गाइस कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा कि यार वो ग्लास को कैसे तोड़े और हम लोग कैसे इंटर करें फटाफट से, समझे? सो लेट्स गो टू लोकेशन। ऑल राइट यार गाइस, फटाफट से ना भाई हम लोग आ चुके थे नज़दीकी एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम लोग भाई ले जा रहे हैं बॉडी, जो कि है डेड बॉडी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, एयरपोर्ट पे पुलिस वगैरह पकड़ ले। सो गाइस, ये वाली गाड़ी को मैं ले आया भाई सस्ते वाले एयरपोर्ट पे, जहाँ पर भाई मार्टिन ने कब्जा कर रखा था। बाद में पता नहीं है इसका प्रॉपर्टी का क्या हुआ गाइस, आई डोंट नो। तो चलो, यहाँ पे मेरे को प्लेन तो नज़र आया भाई साहब, चलो यार कुछ तो आने का फ़ायदा हुआ भाई, मुझे लगा एयरपोर्ट जाना होगा एंड भाई प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी, बट चलो यार यहाँ पे तीन लोग खड़े भाई, क्या पता ये नहीं कहूँ पायलट वगैरह लग रहे हैं। चलो इनसे बात वगैरह कर लेते हैं। और भाई साहब ठीक है यार, गाइस भाई ये कह रहा है कि क्या लेके जाना है भाई साहब, मैंने ऐसे बोल दिया भाई डेड बॉडी ले जानी है भाई, वो बोल रहा है कि भाई पागल वगैरह हो गया क्या भाई, वो इसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं डेड बॉडी ले जा रहा हूँ भाई। सर एक बार देख लो भाई, ये कह रहा है कि गैर कानूनी, तुम लोग बॉडी ले जा नहीं सकते भाई, बॉडी ले जा नहीं सकते भाई, एक बार देख ले भाई साहब, छोटी बॉडी है भाई भाई, इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, कह रहा है कि तुम इधर से निकल जाओ। अरे साले, डेड बॉडी अलाउड नहीं होती, तो मैं तेरे पास इतने खटारा जगह पे आता क्या
अपना गैर कानूनी नहीं है इसलिए तू यहाँ से निकल साले चल साला भाई पंटर गएगा मतलब क्या है भाई भाई अगर मुझे भी पता है कानून अलाउड नहीं है डेड बॉडी ले जाना भाई साहब दूसरे देश में तो इसलिए मैं इधर आया ना वरना मैं एयरपोर्ट जाता भाई साला क्या बेवकूफ़ है भाई साला क्या ही बोलो चलो यार कैसे फटाफट से ना भाई बॉडी को एयर मतलब प्लेन के अंदर रखते हैं फटाफट से। ऑल राइट गाइस सारे के सारे बॉडी वगैरह मैंने इसमें रख दिए और गाइस हम लोग रेडी है जाने के लिए लिबर्टी सिटी और गाइस फटाफट से जाएंगे बॉडी को मैंने रख दिया है भाई प्लेन के अंदर पीछे वाली जगह पर और भाई साहब अब पता नहीं यार डगन बॉस क्या बोलेगा क्योंकि उसे तो पता है ऑलरेडी वो मर चुका है बट पता नहीं यार उसको बॉडी का क्या करना है तो मुझे नहीं पता और वो कह रहा है कि देखो मेरे पास ना भाई सॉल्यूशन वगैरह भी है भाई उस ग्लास को फोड़ने वगैरह का तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं सबको बता दूंगा। तो यार चलो यार हमको अभी सॉल्यूशन पर चलेंगे ग्लास को कैसे ब्रेक करना है और इस फेक बॉडी का वो क्या करने वाला है वो भी हमें पता चल जाएगा। सो चल यार रेड निंजा फटाफट से भाई रेड निंजा भाई खतरनाक है भाई तो कैसे भी करके यार कैसे रेड निंजा ना भाई ये रेड निंजा मुझे अभी तक इसका नाम नहीं पता चला है और ना ही इसका चेहरा तो आप लोग बोलते हो तो इसका फेस रिवील किया जाए कि नहीं आप लोग बोलो बस मेरे को यार कैसे मुझे भी इसका फेस देखना है पता नहीं यार कैसा देखता होगा और इसका रियल नेम भी मेरे को पता नहीं है। सो चलो गाइस अभी ना अपने को फटाफट से निकल रहा हूँ लिबर्टी सिटी की ओर और गाइस अगर आप चाहते हो उसका फेस रिवील करें तो चैट पे फेस रिवील लिख दो तो मुझे समझ आएंगे आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो। सो चलो यार फटाफट से चलते हैं भाई लिबर्टी सिटी की ओर और गाइस देखते हैं क्या सीन है और भाई साहब क्या नहीं है। सो लेट्स गो। ऑल राइट गाइस यार भाई साहब हम लोग आ चुके हैं भाई लिबर्टी सिटी बहुत घंटे लग चुके हैं बट यार आ चुके हैं भाई खुद की गाड़ी चला के ना भाई लिबर्टी सिटी आ चुके हैं और चलो अभी फटाफट से बढ़िया तरीके से भाई लैंड वगैरह करवाते हैं और मुझे जो है ना डगर बस कुछ बंदे वगैरह इधर मिले थे और वो इधर ना पहले से अवेलेबल है मतलब समझ रहे हो वो लोग पहले इधर आए हुए भाई साहब डगर बॉस के पास तो आने थे मुझे भाई लग रहा है ना बॉडी वगैरह ले जाने के लिए आए। सो चलो यार कोई ना कहीं फटाफट से भाई साहब इनसे बात वगैरह करते हैं और भाई बॉडी को भाई प्लेन से उतार देते भाई पेपर है भाई चलो इधर ही ठीक है SPG सिक्योरिटी है भाई इसके पास डगन बॉस के पास SPG सिक्योरिटी वैसे अपने पास भी है बट वो वाली SPG सिक्योरिटी अलग है अपनी वही अलग है। सो चलो यार गाइस ठीक है ना भाई क्योंकि SPG सिक्योरिटी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। सो गाइस चलो यार गाइस फटाफट से और इनसे बातचीत वगैरह करते हैं और देखते हैं क्या ये लोग कह रहे हैं हम लोग तो चलो फटाफट से बातचीत कर लेते। ऑल राइट गाइस सारे की सारी हमने बातचीत वगैरह इनसे कर ली है और ये कह रहे हैं कि अभी डगन बॉस को आने में टाइम लगेगा इसलिए हम लोग खुद बॉडी ले जाने के लिए आ गए। तो यार तुम लोग थोड़ा लिबर्टी सिटी में घूम लो यार ठीक है यार अभी ये कह रहा है कि हम लोग तुम्हारे लिए गाड़ी वगैरह भी ला ली है एक लीमो गाड़ी है मतलब सारे लीमो ही है इनके पास तो तुम उसमें से एक ले लो और हम लोग डेड बॉडी को उतार देंगे प्लेन से तो तुम जा सकते हो। ठीक है पता नहीं यार गाइस डगन बॉस कहाँ गया और वो कह रहा है कि तुम ना कौन सी भी गाड़ी पकड़ लो और थोड़ा घूम लो लिबर्टी सिटी भाई यार गाइस चलो यार गाइस पता करते लिबर्टी सिटी में नया क्या आ गया भाई ऑप्शन वाली जगह पर जाते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन पे आया वैसे आज और गाइस मुझे पता भी चला कि एक खतरनाक वाला ना जेट वगैरह का भी ऑप्शन चल रहा है आज तो भाई साहब देखते हैं और कुछ बढ़िया सा ऑप्शन चल रहा है तो हम लोग कुछ खरीद लेते हैं और वैसे डगन बॉस को मिलेंगे और क्या सॉल्यूशन है इसका और क्या नहीं है पता करेंगे। और गाइस यार बहुत कुछ लिबर्टी सिटी में भाई साहब बहुत बड़े बड़े डील भी हम लोग करेंगे यार लिबर्टी सिटी से कार भी लेने अपने शोरूम के लिए बहुत ज़्यादा ही गाइस। तो यार एक सेकंड रास्ता इधर से वहाँ से मैं भूल गया भाई बहुत अभी क्या ही बोल इधर रहते हैं ये तो समझ नहीं आता है ना तो फटाफट से हमको जाना होगा गाइस कहाँ पर भाई लोकेशन पे जहाँ ऑप्शन हो रहा है अभी बढ़िया बढ़िया जेट प्लेन फाइटर्स का और वहाँ पे जाके ना कुछ खरीदते हैं वगैरह और देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस चलो फटाफट से भाई साहब एक सेकंड यहाँ पे जाना है क्या। सो चलो 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 फटाफट से ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और बढ़िया सा एक ना कुछ खरीदते वहाँ पर। ऑल राइट गाइस यार हम लोग आ चुके हैं ऑप्शन वाली एरिया में और आज हो रहा है जेट्स का ऑप्शन। एक खतरनाक आदमी आया ऑप्शन नहीं है सॉरी ऑप्शन नहीं कहूँगा कि वो अकेला बंदा इधर सेल कर रहा है मतलब ये सेल वाली एरिया में। तो चलो भाई फुल सिक्योरिटी वगैरह टाइट है ठीक है मुझे लगा ऑप्शन वगैरह हो रहा है बट इधर कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है भाई इसने खुद की इधर दुकान खोल दी है मतलब शोरूम बोल दो इसको भाई ठीक है यार जो भी है भाई पता नहीं क्या नया नया चीज़ें लाता रहता है ये बंदा का बहुत नाम सुना है वैसे मार्केट में बहुत चल रहा है ये
एंड चलो देखते इसने क्या नया आज चीज लाई है, पता नहीं। और भाई साहब कार वगैरह लाया क्या? नहीं, ये ना इन्हीं की कार लग रहा है, फुल आर्मर वाली कार से भाई साहब, एसयूवी ब्लैक ग्लास है इनका। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलो यार, ये दोनों लग रहे हैं मेरे को, यही ऑनर है, तो इनसे बातचीत वगैरह कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को इनसे बातचीत करने के बाद। ऑल राइट गाइस, सारे की सारी बातचीत इनसे करनी है। और ये कह रहे हैं कि चलो आपको ना एक एक बारी से मैं सारे के सारे जेट प्लेन दिखाता हूँ। भाई साहब बहुत ख़तरनाक वाले जेट प्लेन हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही ना भाई 2024 के मॉडल है, मतलब बिल्कुल ही फ्यूचर टाइप के, मतलब समझ रहे हो। सो यार चलो गाइस, टैंक वगैरह कह रहे हैं कि तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और देखते भाई क्या क्या सीन है और क्या नहीं, मुझे तो बढ़िया ही लग रहा है। हाँ ये जेट प्लेन भाई तो बैटमैन वाला लग रहा है मुझे। हाँ ये जेट है या प्लेन है भाई, मुझे समझाओ पहले कोई। चलो ठीक है यार, एक बार ना ये कह रहा है कि बिल्कुल ही बढ़िया, आप लोग चला के भी दे सकते हो भाई, चला के देखेंगे, बट पहले देखने दो यार, सारे के सारे देखेंगे फिर चूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महंगे गए। ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर ने हमने सिर्फ शो के लिए एक रखा है, हमारे जो बनता है ना मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे ऑर्डर देने के बाद ही हम लोग क्रिएट करते हैं, तो पहले तुम चेक कर लो सही हो तो फिर हम लोग ऑर्डर वगैरह और करेंगे और तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। सर बहुत महंगा है वैसे तो यार, कैसे ये ना बहुत ज़्यादा ही भाई महंगा दे रहा है, बहुत ज़्यादा ही महंगा बोल रहा है। तो यार कैसे, अपने पैसे गोल्ड है तो गोल्ड को अपन लोग को पहले कैश में कन्वर्ट करना होगा, वैसे ये बंदा गोल्ड तो लेने वाला तो है नहीं, मुझे इतना पता है। भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये UFO है, ये क्या है भाई, ये किस एंगल से जेट प्लेन लग रहा है तेरे को? मतलब फाइटर प्लेन है बट भाई कौन से एंगल से लग रहा है मुझे बताओ भाई लोग, और आप लोग बताना कैसे कौन सा परचेस करना चाहिए कि नहीं। और यार ये क्या है भाई, अंदर दो सीट है, दो लोग कंट्रोल कर सकते हैं भाई, ये तो UFO लग रहा है बिल्कुल ही। यार ये क्या है भाई, कौन से एंगल से कैसे उड़ाएंगे? कोई ना, ऐसे टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे और पता चलेगा गाइस हमें कि क्या सीन है, ठीक है ना। तो चलो गाइस हम लोग और भी देख लेते हैं, वैसे और भी बहुत सारे पार इसके पास प्लेन्स अवेलेबल है भाई साहब, फुल सिक्योरिटी टाइट है इसकी तो, ठीक है। वैसे लिबर्टी सिटी में ना भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें आते हैं सच में, लॉस एंजेलस में आते नहीं है। और ये ना ये कह रहा है कि ये सिंगल ही है, ठीक है ये सिंगल सीटर है। ओ भाई इसको एक बंदा चलाएंगे क्या इतने मुश्किल से भाई, क्या ये भाई इसको अकेला चलाएंगे? इसकी स्पीड वगैरह भी चेक करेंगे, कोई बात नहीं। और कैसे कह रहा है कि ख़तरनाक वाला फाइटर प्लेन है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही है, कोई ना इसकी स्पीड पर हम लोग चेक वगैरह कर लेंगे। और आप लोग बताना कौन सा हमको बाय करना चाहिए चैट पे, गाइस आप लोग को बताता हूँ, नंबर वगैरह देता हूँ एंड कौन सा नंबर वाला बाय करना चाहिए। वैसे इसका डिज़ाइन देखो यार बहुत बढ़िया है, ठीक है ठीक है यार, वैसे बहुत यूनिक लग रहा है मुझे, कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है समझ रहे हो, और ना वही पुराने वाले जेट प्लेन देख देख के बोर हो गए थे। चलो यार ये जेट प्लेन भी मेरे को बढ़िया लग रहा है ना, चलो इसको भी देखते हैं भाई, डिज़ाइन बढ़िया है इसका, या काम भी करता है कुछ, या डिज़ाइन ही बढ़िया किया भाई। बहुत सारे फ्लैग्स है इसके, 2022 का है, रैपिड पैसिफिक और जापान और साउथ कोरिया कुछ लिखा है इस पर, और ठीक है यार तीन चार फ्लैग है इस पर, बढ़िया लग रहा है वैसे डिज़ाइन ना बढ़िया है इसका। आप लोग बताना कौन सा परचेस करना चाहिए, अभी आप लोग को नंबर देता हूँ एंड आप लोग बताना कौन सा हमें परचेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महंगा है भाई, वरना गाइस सारे के सारे पैसे चल जाएंगे इसी में। ठीक है यार एक डिज़ाइन भी बढ़िया है, और ये कह रहे कि तुम पहले टेस्ट करो यार चला के, वैसे ना समझ नहीं आएगा भाई कहाँ से टेस्ट करें भाई, इतनी छोटी जगह में क्या ही टेस्ट करेंगे गाइस, छोटी जगह नहीं वैसे तो। ठीक है यार एक बार चेक करके देख लेते यार, कैसे उड़ा के देख लेते क्या बता गाइस, बढ़िया लग रहे हैं वैसे तो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब डिज़ाइन वगैरह देख रहे हो ना भाई, ये बंदा मांग रहा है गाइस कसम से गाइस, क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही पैसे मांग रहा है। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार उड़ा के देखते हैं इसको, भाई उड़ नहीं रहा भाई, एक सेकंड, ठीक है चलो इसको, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा बटन दबानी है, अरे उड़ जा भाई, हाँ चलो अब उड़ रहा है भाई, इसको उड़ाना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट कोई ना प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। इसकी स्पीड ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है भाई, इसका डिज़ाइन देखो यार एक बार कसम से, इसका डिज़ाइन कैसे लग रहा है आपको चैट में बताओ यार, इसका डिज़ाइन देख के ना भाई मज़ा आ गया, मतलब ऐसे लग रहा है फ्यूचर में आ गया 2030 भाई बोलो 40 बोलो, ऐसा लग रहा है भाई नए साल में आ गया। तो चलो भाई इसमें मिसाइल वगैरह भी है और भाई हर चीज़ है जैसे जेट पे होती है, बढ़िया यार इस कसम से ना। चलो फटाफट से इसको उतारते हैं और भाई नेक्स्ट ट्राई करते हैं, वरना टाइम पर हो जाएगा। तो चलो यार दूसरा गाइस हम लोग आ चुके थे और ये वाला ट्राई करते हैं, वरना भाई बहुत टाइम लग जा रहा है।
सो चलो एक बार इसको उड़ा के देखते हैं भाई, ये तो बिल्कुल जानवर नज़र आ रहा है भाई, ये प्लेन कम और UFO ज़्यादा नज़र आ रहा है भाई। कौन सा है भाई प्लेन वगैरह लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई कैन का ढक्का हो समझ रहे यहाँ से देखो मैं पकड़े एंड भाई क्या ही चीज़ है भाई, ये कुछ यूनिक चीज़ है यार, कसम से ना मज़ा आ गया। ओ भाई साहब बहुत ही बढ़िया UFO आ गया इस खतरनाक वाला, बढ़िया चीज़ है भाई, ऐसे अगर ना बढ़िया उड़ रहा है, मतलब इसमें इतनी उड़ रहा है एकदम बढ़िया चल रहा है झक्कास भाई, बढ़िया स्पीड भाई कम है इसकी, बट हमने कोई स्पीड बढ़ानी नहीं है ठीक है, मैं खुद कम क्यों है ना, इसकी स्पीड बहुत है ठीक है। आप लोग बोलोगे स्पीड कम है, अभी देखो अभी 200 पार कर दिया इसने, अभी स्पीड स्पीड ने कम रखा, जो अपने को भाई टेस्ट कर रहा है ठीक है ना, आगे लेके जाएंगे भाई 500 600 लेके जाएंगे, और मिसाइल वगैरह भी इसमें भाई बढ़िया है यार गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा कौन सा परचेस करना है और कौन सा परचेस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई एक्सपेंसिव है यार ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही महंगा है और क्या ही बोली। सो कोई ना भाई सब खरीद सकते हैं, बट भाई कैश भी होना चाहिए, अपने सारी सिक्योरिटी को भाई पेमेंट वगैरह भी करनी होती है और भाई बहुत कुछ करना होता है। तो चलो इसको बराबर से लैंड कर देता हूँ भाई, बस लैंड हो जाए यार सही तरीके से, एक बार लैंड हो जाए ना तो मज़ा ही आते हैं। सो चलो इसको भाई कहाँ की जगह ज़्यादा ही दूर से लेंगे कसम से। ओके ठीक है चलो फटाफट से बढ़िया तरीके से लैंड कर देता हूँ भाई, हो पाएगा क्या लैंड, मेरे को नहीं लग रहा है हो पाएगा, क्योंकि भाई लैंडिंग में हमेशा भाई गंदी वाली करता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे लग रहा है ना भाई कोई ढक्कन उड़ा रहा है कोई, बट डिज़ाइन बढ़िया है क्या ही बोलो। आप लोग बता रहे कुछ यूनिक सी चीज़ लगी कि नहीं आप लोग, मैंने ऐसी कभी चीज़ देखी नहीं भाई GTA 5 में, बट ठीक है यार ये सही चीज़ लगी भाई। लैंड हो जा भाई, बर्फ़ पर हो रही है लैंड यार, एक काम बढ़िया है स्मूथ है, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद चलाने की, बट अपन लोग अभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आप लोग बोल लो फैंसी बढ़िया फिर वही परचेस करते हैं, वरना फालतू का टाइम पर तो जाएगा। तो यार गाइस देखो यहाँ पर मास्क वगैरह मैंने पहन लिया था, और इसको भाई साहब कहाँ गए भाई ये लोग, कहाँ गए देख ही नहीं रहे मेरे को, चलो उधर साइड खड़े थे ठीक है भाई। ये कह रहा है कि कैसे लगा भाई, बढ़िया लगा यार वैसे, कैसे चलाने में बढ़िया लगा, चूज़ करेंगे ठीक है भाई, कैश वगैरह लाना पड़ेगा भाई, वो कह रहे हैं कैश में चलेगा भाई, पर अपने पास आपको पता है सिर्फ गोल्ड ही है ठीक है, कैश कम है, तो पहले अपने को गोल्ड में जो कैश गोल्ड है ना उसको कैश में कन्वर्ट करना होगा, फिर यार कर देंगे। तो यार कैसे आप लोग बताना कौन सा हमें परचेस करना चाहिए ठीक है, तो आप लोग ये बताओ गाइस कौन सा हमें परचेस करना चाहिए। तो ये एक नंबर पकड़ लो एंड गाइस ठीक है, ये वाला एक नंबर और उसके पीछे वाला दो नंबर, मतलब ये एक और उसके पीछे वाला दो नंबर और उसके तीन वाला, तो आप लोग बताना कौन सा परचेस कर लें ठीक है, एक और वो दो वाला और पीछे वाला तीन, सिंगल वाला तीन और वो जेट वाला जो डिफरेंट कलर है वो फोर नंबर, तो आप लोग बताना कौन सा परचेस करना चाहिए। और ये कह रहा है कि ठीक है आप लोग आके बताना और हम लोग कन्फर्म कर देंगे ठीक है यार, कोई बात नहीं, प्राइस वगैरह भी इसने सब कुछ मेरे को बता दिया, बस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कौन सा परचेस करना है ठीक है ना। तो ये एक नंबर आगे का, उसके पीछे का दो एंड उसके तीन नंबर, तो चलो फटाफट से भाई साहब और डगन बॉस के ऊपर जाते, लगता है डगन बॉस आई थिंक आगे होगा, न्यू लोकेशन है बुलाया पता नहीं यार क्या सीन है, और देखते हैं गाइस क्या ही सीन है, तो पता चल जाएगा गाइस क्या प्लानिंग की डगन बॉस ने और क्या कह रहा है, और कौन सा मेटल है जो कि भाई फोड़ेगा जो वो है ना टनल जो कलर गोल्ड माइन है, वो मेटल जो ग्लास जो फूट नहीं रहा है उसको फोड़ने का सॉल्यूशन मेरे को वो देने वाले और बहुत कुछ करने वाले, और फेक बॉडी उसको आई थिंक जो डगन बॉस की वो भी मिल चुकी होगी। सो यार पता करते हैं क्या सीन है और क्या नहीं, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख जरूर गाइस OP ज़रूर लिख देना, तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देखे हो, सो प्लीज़ टाइप OP इन द चैट, सो गाइस मुझे समझ आएगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है, और गाइस लाइक ज़रूर करना 1000 लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगी। और चलो यार फटाफट से डगन बॉस के पास मैं जाता हूँ, और भाई साहब पता नहीं यार आप लोग ने मेरे को सॉल्यूशन बताया नहीं है, सो चलो फटाफट से लेट्स गो टू द लोकेशन। ऑल राइट यार गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं डगन बॉस के लोकेशन के ऊपर, और यार चलो यार फटाफट से ना डगन बॉस के एरिया में चलते हैं, और पता करते हैं भाई क्यों बुलाया है, मतलब बुलाया वैसे तो अपने काम के लिए ठीक है ना। और गाइस चलो यार फटाफट से गाइस एक बार जाके ना इससे बात वगैरह कर लेते, कागज डगन बॉस भाई इतनी ज़्यादा टैंक है, चलो इससे फटाफट से बात करते और आपको बताता हूँ इसने मुझे क्या बोला है।
सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सारी बातचीत वगैरह हो चुकी है और ये कह रहा है कि देखो जो तुमने मेरे को बताया ना, जो क्लास ब्रेक नहीं हो रहा है वो तो मैं तुम्हें लॉस सेंटर्स में खुद आके बता दूंगा। भाई यार क्या सस्पेंस बना रहा है यार, बता दे। और वो कह रहा है कि देखो अब ना ये जो एगल है और ये जो एगल का छोटा भाई है, वो दोनों का गेम ओवर करने का टाइम आ चुका है। अब ये सारी की सारी आर्मी लेके ना हम लोग जाने वाले हैं लॉस सैंटोस में अटैक करने के लिए। भाई अब ना भाई ये कह रहा है कि देखो अभी तो और आर्मी अपनी लॉस सैंटोस में अवेलेबल तो है ही, और ये जो वाली आर्मी है वो भी इधर भी है, तो और आर्मी जाएगी। मतलब ये सारे के सारे जो बंदे हैं ना भाई अटैक करने वाले हैं डायरेक्टली मार्टिन पे, मतलब सॉरी मार्टिन नहीं, एगल और एगल के भाई पे। सो यार गाइस मुझे नहीं पता अब टग्गर बॉस खुद इस वाले फाइट में फाइट करेगा। वो कह रहा है कि अब बहुत हो चुका है, इसने मेरा एक बंदा मार दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि और भी हमारा नुकसान हो जाए। अब ये कह रहा है कि देख डग्गन और तू, मतलब सॉरी मैं, ये कह रहा है कि हमें अब मिलके काम करना होगा, और अभी मेरे भी सारे जो काम चल रहे थे ना उसके वो सारे के सारे काम अभी ख़त्म हो चुके, अभी उसका सिर्फ एक ही काम है उसके दुश्मनों को मिटाना, और जो कि एगल और एगल का छोटा भाई। सो यार ठीक है गाइस, इसकी गैंग देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक नहीं है, मतलब SPG सिक्योरिटी है भाई, मैं तो इसको यूँ हरा दूँगा। बट गाइस चलो, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। वैसे तो गाइस इनसे ख़तरनाक तो अपनी सिक्योरिटी है, बट ये बंदा भी अपने फौज ले आ रहा है तो अपनी सिक्योरिटी डबल हो जाएगी, जिससे हम लोग उन पर अटैक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस हेलीकॉप्टर है यार गाइस, बट अपने को जेट वगैरह ख़रीदना है जिससे हम लोग ख़तरनाक वाला अटैक वगैरह कर सकते हैं, समझ रहे हो। सो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को बता दोगे कौन सा हमको बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास जगह भी तो नहीं, इतने सारे जेट लगेंगे कहाँ पे। सो यार गाइस आप लोग मेरे को बताना कौन सा हम लोग जेट प्लेन बाय करें, आपको मैंने बताया नंबर से कौन सा वगैरह, ठीक है ना। सो चलो यार गाइस फटाफट से यार उसको बोलते कि यार बहुत बढ़िया लगा भाई इतने सारे टैंक वगैरह ना, कसम से बढ़िया भाई साहब, टैंक वगैरह भी होना चाहिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। सो यार चलो यार गाइस अब इससे फिर से बात करते हैं और देखते गाइस क्या कह रहे हैं। वैसे टैंक वगैरह ना बहुत ज़्यादा है इसके पास, पता नहीं आर्मी वगैरह से चुराया गया भाई। ठीक है यार, ऑल राइट यार गाइस, ठीक है ना गाइस। तो देखो हम लोग अभी जाने वाले हैं, इसने मेरे को बोल दिया अभी लॉस सैंटोस चलो साथ में सब मिलके, और फिर आपको वहाँ पे बताएंगे। और गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो अभी गाइस छोटी वीडियो थी मुझे पता है, थोड़ी सी मेरा हेल्थ ख़राब है यार तो उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि अभी मेरा आवाज़ भी आप देख रहे होंगे सो मेरा वॉइस ठीक नहीं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक लिख रहे हो तो हेज लिख देना, तो मुझे समझ आएंगे मेरी वीडियो यहाँ तक देख, तो बाय बाय।